हे गाइस, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप अगर हमसे अपनी वर्टिगो की प्रॉब्लम का, बैलेंस डिसऑर्डर का, यानी कि चक्कर आने की और बैलेंस की प्रॉब्लम का अगर आप इलाज लेना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला स्टेप है अपॉइंटमेंट लेने का, वो है अपनी अपॉइंटमेंट को कन्फर्म करना। तो अगर आप वीडियो कॉल से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं इंडिया से या इंडिया के बाहर से, किसी भी शहर में इंडिया से आप हमें वीडियो कॉल द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी कंसल्टेशन की जो अपॉइंटमेंट का टाइम है उसको आपको बुक करना होता है। और उसको बुक करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको हम एक फीस अमाउंट आपको बताते हैं कि कंसल्टेशन की ये फ़ीस है। वो फीस आपको पे करनी होती है, जो भी हमने आपको लिंक्स या फिर ऑप्शन पेमेंट के भेजे होते हैं उन ऑप्शन पे आपने अपनी फ़ीस पे करनी होती है, और साथ ही उस फी की पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट हमें भेजना होता है। और जैसे ही वो हमारे पास रिसीव होता है स्क्रीनशॉट, वैसे ही हम आपको आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम दे देते हैं। तो अपॉइंटमेंट से पहले दो चीज़ें हम कंफर्म करते हैं आपको। आपको आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम बताया जाता है, वो टाइम कई बार होता है कि अपॉइंटमेंट ऑलरेडी आपसे पहले बुक होती हैं लोगों की, उसके कारण वो टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे खिसक सकता है। उसको हम ज़रूर आपसे कंफर्म करते हैं कॉल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। दूसरी चीज़ जो है, वो अपॉइंटमेंट से पहले आपको हो सकता है हम एक छोटा मोटा वीडियो भेजें जिसमें हम ये बताएं कि हम इस अपॉइंटमेंट के दौरान क्या क्या करने वाले हैं। उस अपॉइंटमेंट में वो स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट्स हो सकते हैं जो कि हम आपके ऊपर करने वाले हैं, आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए, ताकि हम सही तरीके से आपकी प्रॉब्लम का पता लगा पाएँ और उसका पूरी तरह से इलाज, फुल ट्रीटमेंट पूरी एफिकेसी के साथ उसका कर पाएँ। सो ये दो चीज़ें अपॉइंटमेंट से पहले की जाती हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट के दौरान होता क्या है। जब आपका नंबर आता है तो आपको सबसे पहले एक ऑडियो कॉल हम करते हैं। उस ऑडियो कॉल के दौरान हम आपसे आपकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। इस दौरान आपको अपनी सारी प्रॉब्लम इलैबोरेटली बतानी होती है, कब आपके सिम्टम्स शुरू हुए, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आप सफ़र कर रहे हैं, कौन सी डेट पे या कौन से टाइम में कौन से सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, कौन से सिम्टम अभी प्रेजेंटली ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और कौन से अब आपको नहीं महसूस हो रहे हैं। ये काफ़ी एक डिटेल प्रोसीजर है। कई लोगों की कान की हिस्ट्री होती है, सिर की चोट की हिस्ट्री होती है, गर्दन की कोई हिस्ट्री होती है, या फिर जनरली भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री होती है, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड और भी कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिनको जानना आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हिस्ट्री आपको डिटेल से देनी पड़ती है ऑडियो कॉल से। उसके बाद आपको हम वीडियो कॉल करते हैं। उस वीडियो कॉल में हम वही टेस्ट करते हैं जो हमने पहले आपको वीडियो में भेजकर बताए हुए होते हैं। आमतौर पर इनमें क्लिनिकल टेस्ट, जैसे कि आपका बैलेंस कैसा है, कितना अच्छा है, बैलेंस के साथ में आप कैसे चल पा रहे हैं, आपकी आईज़ की मूवमेंट, हेड की मूवमेंट, सर्वाइकल के कुछ टेस्ट और वेस्टिबुलर टेस्ट, यानी कि जो बैलेंस का सिस्टम है आपका कान के अंदर, वेस्टिबुलर सिस्टम, उसके हम कुछ टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट वीडियो पर ही पॉसिबल होते हैं, हम आपको गाइड करते हैं और आपको वो टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। आप किस तरह से उन टेस्ट में परफॉर्म करते हैं और क्या कंप्लेन बताते हैं, जैसे कि गर्दन का दर्द, चक्कर, बैलेंस में दिक्कत, आईज़ की मूवमेंट के साथ निस्टैग्मस या फिर गिडिनेस या फिर चक्कर लगना, इनके बेसिस पर हम एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं। उस टेंटेटिव डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए एंड में हम कई तरह के मैन्यूवर कर सकते हैं, तो वो भी वीडियो कॉल पर हम आपको गाइड करते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो उसके बाद हम आपको जो है फर्दर ट्रीटमेंट की गाइडेंस देते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि ट्रीटमेंट के दौरान वो कौन कौन से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं। सो ट्रीटमेंट के दौरान सबसे पहले तो हम आपको आपका डायग्नोसिस बताते हैं कि क्या कारण है कि जो आपको चक्कर आ रहे हैं या बैलेंस की प्रॉब्लम है या गिडीनेस रहती है, और क्या कारण है कि अभी तक आप इतने सारे डॉक्टर्स के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा चुके हैं और अभी तक वो लोग उस प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर पाए हैं।
उसके बाद दरअसल आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसमें कई तरह की मैन्यूवरिंग और एक्सरसाइजेज आपको बताई जा सकती हैं, जो कि आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न में फॉलो करने को बोला जा सकता है। तो हो सकता है आपको एक्सरसाइजेज दिन में 1, 2 या 3 बार करने को कही जाएँ, हो सकता है आपको मैन्यूवरिंग सिखाई जाएँ, साथ में बताई जाएँ। एज अ फिजियो, एज अ वेस्टिबुलर फिजियो, मैं उन मैन्यूवरिंग को अपने सामने करवाता हूँ। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं, उनमें हो सकता है 5-7 दिन के लिए मेडिसिन भी दी जाए। तो वो मेडिसिन आपको उस तरह से लेनी पड़ती हैं, अपनी नज़दीकी फार्मेसी से आप वो मेडिसिन ले लेते हैं और जैसा आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है वो मेडिसिन आपको उस तरह से लेनी होती हैं। इसके अलावा कई तरह के हेल्थ सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन्स या मिनरल्स भी आपको प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, वो भी आपको अपनी नज़दीकी फार्मेसी से लेने होते हैं और अपने प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको उनको लेना होता है। कुछ लोगों में जिनमें हमें ज़रूरत लगती है तो नेक का एक्सरे, नेक का और हेड का सीटी स्कैन और एमआरआई भी बोला जा सकता है, या कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट भी आपको करने को कहे जा सकते हैं। सो ट्रीटमेंट को इस तरह से फॉलो किया जाता है। अधिकतर लोग, क्योंकि आप एक बार हमें जब कॉल करते हैं आपकी प्रॉब्लम को हम उस तरह से समझते हैं, और अधिकतर लोग, हमारे जो सक्सेस रेट है वो 99% है, 100 में से 99 लोग ज़रूर हमारे इलाज से ठीक होते हैं। और उस दौरान अधिकतर लोग काफ़ी फियरफुल रहते हैं, क्योंकि वो कई जगह इलाज ट्राई कर चुके हैं, कई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा चुके हैं, कई न्यूरोलॉजिस्ट और ENT डॉक्टर्स के पास भाग चुके हैं। तो उनको काउंसलिंग भी हम ऑफ़र करते हैं, क्योंकि कई लोगों को एंग्जाइटी और फियर भी रहता है कि हमारी प्रॉब्लम ठीक होगी या नहीं होगी। सो बेसिकली ओवरऑल जो आपका ये अपॉइंटमेंट है, इसमें हम आपका ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, ये सब किया जाता है। और इस दौरान आपको लगभग 40-45 मिनट से लेके 1 घंटे का भी आपका कंसल्टेशन चल सकता है। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया था कि कई बार आप लोग हमें कॉल करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि हम आपका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले जो आपकी डायग्नोसिस मेकिंग की प्रोसेस है हम उसको कैसे करेंगे। सो एंटायरली ये पूरा प्रोग्राम वीडियो कॉल से किया जा सकता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम इसके वीडियो फीडबैक, जो लोग ठीक हो चुके हैं और उसके बाद हैप्पीली हमारे लिए वीडियो फीडबैक बनाते हैं, वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको भी हम आपको आमतौर पर व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के साथ में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको अपनी कंसल्टेशन बुक करनी है और कैसे अपनी इस चक्कर आने की, गिडनेस की या बैलेंस की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है।